जय भोले, जय बाबा बर्फानी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के रहस्य के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि पहलगाम मार्ग से ही अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक की यात्रा का विशेष महत्व क्यों है। इसके लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आपको अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। पवित्र गुफा का रहस्य बताने के पूर्व मैं आपको माता पार्वती के जन्म के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती जी को भगवान शंकर जी की प्राप्ति हेतु 109 बार जन्म लेना पड़ा, तब जाकर वे भगवान शंकर जी की पत्नी माता पार्वती के रूप में अमर हो सकी। प्राचीन कथाओं अनुसार एक बार भगवान शंकर जी के गले में मुंडों की माला देखकर पार्वती जी के मन में यह प्रश्न उठा कि भगवान शंकर ये मुंड माला क्यों धारण करते हैं और ये मुंड किसके हैं? उन्होंने शंकर जी को अपने मन की बात बताई। तब शंकर जी ने पार्वती जी को बताया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने इस माला में धारण किए हुए हैं। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर तो नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने की कृपा करें। तब भगवान शंकर जी ने अपने होठों पर रहस्यमय मुस्कान लाते हुए पार्वती जी से कहा कि यह सब तो अमरत्व की कथा के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती जी के मन में भी अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो उठी और वे उस अमर कथा को सुनाने की जिद करने लगी। कई वर्षों तक शंकर जी टालते रहे, परंतु पार्वती जी की लगातार हट के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। शंकर जी इस कथा को ऐसे स्थान पर जाकर सुनाना चाहते थे जिससे कि कोई जीव जंतु इसे सुनने न पाए। इसीलिए किसी एकांत एवं निर्जन स्थान की खोज करते हुए शंकर जी पार्वती सहित अमरनाथ की इन पर्वत मालाओं में पहुंच गए। इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा बिना बाधा के पूरी की जा सके और पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन सके। पर्वतमाला में उचित एवं निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वे सबसे पहले बैल गांव पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने नंदी को छोड़ दिया। इस बैल गांव को ही आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वे चंदनबाड़ी पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रमा को मुक्त किया। पिस्सू टाप पहुंचकर उन्होंने अपने पिस्सुओं को मुक्त किया और शेषनाग नामक झील के समीप पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों की मालाओं को भी उतार दिया। इसके बाद आगे बढ़ने पर उन्होंने महागुनस पहाड़ी पर अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को छोड़ने का निश्चय किया, जिसे गणेश टाप के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपरांत वे पंचतरणी पहुँचे। वहाँ पहुँचकर शंकर जी ने पंचतरणी में अपनी जटाओं से गंगा जी को मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने पंचतत्वों का परित्याग भी कर दिया। इन सब का परित्याग करने के बाद भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के साथ इस पवित्र गुफा में प्रवेश किया और मृगछाला बिछाकर पार्वती को अमृतत्व के रहस्य की कथा सुनाने के लिए ध्यानमग्न होकर बैठ गए। ध्यानमग्न होने से पहले उन्होंने कलाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि चारों ओर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित करो जिससे कोई जीव जंतु गुफा में प्रवेश न कर सके। कलाग्नि ने ऐसा ही किया और सब तरफ से संतुष्ट होकर शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनानी शुरू की। परंतु उनके अतिरिक्त इस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी पहले से मौजूद था। इसका आभास शंकर जी को नहीं हो सका। कथा सुनते हुए पार्वती जी हुंकार भर रही थी। इसी बीच कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वो सो गईं, जिसका शंकर जी को पता नहीं चला और भगवान शंकर अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय गुफा में उपस्थित दो सफेद कबूतर भी शंकर जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे।
शंकर जी को लग रहा था कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शंकर जी का ध्यान पार्वती जी की ओर गया जो सो रही थी। शंकर जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इस कथा को कौन सुन रहा था। तब शंकर जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। शंकर जी कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। इस पर कबूतरों ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की आपकी यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शंकर जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शंकर पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। इस प्रकार यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। हमने भी अपनी वर्ष 2019 की अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के समय पवित्र गुफा में इन कबूतरों के दर्शन किए थे। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। जहां गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान रहते हैं। पवित्र गुफा में भी माता सती का कंठ गिरा था, इसीलिए अमरनाथ जी की इस गुफा की शक्तिपीठ के रूप में भी मान्यता है। जहां माता पार्वती एवं श्री गणेश जी की पिंडी का निर्माण भी बाबा अमरनाथ जी के शिवलिंग के साथ होता है। एक अन्य कथा अनुसार शंकर जी ने यह अमृतत्व की कथा माता सती को सुनाई थी और भगवान शंकर के कथा सुनाने के दौरान माता सती को नींद आ गई और वो कथा सुन नहीं पाई। इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। तत्पश्चात भगवान शंकर ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंडों की माला तैयार हो गई। इसके बाद माता सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ और फिर उन्हें कभी शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। अब मैं पवित्र गुफा की खोज के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस पवित्र गुफा की खोज एक कश्मीरी मुसलमान ने की थी। इसका नाम बूटा मलिक था। बूटा मलिक भेड़ चराने का काम करता था। कहा जाता है कि भेड़ चराने का काम करने वाला यह चरवाहा बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक दिन वो भेड़े चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब वह बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचा तो उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक थैली दी। जब वो घर पहुंचा और उसने वो थैली खोलकर देखी तो उस थैली में कोयले की जगह सोना देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वो उसी समय साधु को धन्यवाद देने वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचा, परंतु उसे वहां पर कोई साधु दिखाई नहीं दिया बल्कि एक विशाल गुफा दिखाई दी। गढ़िया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बाद उसने यह बात गांव के मुखिया को बताई और यह मामला वहां के तत्कालीन राजा के दरबार में पहुंचा। इसके बाद समय के साथ इस स्थान के महत्व के बारे में लोगों को मालूम चला और यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। तभी से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। आज इस पवित्र गुफा की देखभाल बूटा मलिक का परिवार ही करता है और पवित्र गुफा में चढ़ावे का एक हिस्सा उसके परिवार को दिया जाता है। अंत में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक यात्रा करने का विशेष महत्व क्यों है और इस रास्ते को पारंपरिक रास्ता क्यों कहा जाता है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि पवित्र गुफा की खोज में भगवान शंकर और माता पार्वती इसी मार्ग से होकर गुजरे थे और इसी मार्ग में उन्होंने अपने प्रिय नंदी को, चंद्रमा को, पिस्सुओं को, शेषनाग को, गणेश जी, गंगा जी को एवं पंचतत्वों को छोड़ा था। अतः जो भी श्रद्धालु पहलगाम के रास्ते से पवित्र गुफा तक की यात्रा कर बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करता है,
उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, जिससे अन्य शिव भक्तों तक ये जानकारी पहुंच सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोले, जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।